वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा। सो दिस इज अस, दिस इज जतिन। फियोना है एयरपोर्ट रेडी बट जतिन इज नॉट एयरपोर्ट रेडी क्योंकि हम दोनों पहली बार अकेले फ्लाइट लेने वाले हैं। बट जतिन इज ऑल्सो गोइंग समवेयर। हम माँ बेटी जा रहे हैं, ये बाप बेटे जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो सब आगे चल के बताएंगे। फिलहाल हमारी कैब आ गई है। और फिर ये मैडम कैब में सो गई और हम पहुंच गए T2 टर्मिनल। मैंने फर्स्ट टाइम T2 टर्मिनल से फ्लाइट बोर्ड की है। मैं T2 पे गई हूँ, मतलब वापस आए हैं या फिर किसी को ड्रॉप करने गए हैं, बट मेरी फ्लाइट फर्स्ट टाइम थी T2 से। एयरपोर्ट हमारा चेक इन हो गया है। सो हाउ आर यू फीलिंग ना? फर्स्ट टाइम अलोन विद मम्मी। सो फार वी आर हैविंग फन एंड शी इज़ नॉट बॉदरिंग मी। नहीं तो जतिन के साथ ज़्यादा तंग करती है, मैंने आज ये रियलाइज़ किया है ना। सो बैंगलोर T2 टर्मिनल जो है वो अपने आप में ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के जैसा है। गार्डन ऑफ सिटी बोला जाता है बैंगलोर, तो उसी को जस्टिफाई करने के लिए T2 टर्मिनल है, जहाँ पे पूरा अंदर प्लांट्स ही प्लांट्स हैं जिस तरफ भी आप देखो। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थीम फॉर एन एयरपोर्ट जो मैंने अभी तक देखे हैं। 8:30 हो रहा है, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है और मुझे सामने टिमीज़। आज हम टिमीज़ ट्राई करते हैं। वेलकम वेट, पहले मम्मा ब्रेकफास्ट कर लें। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैं इंडिया में टिम हॉर्टन्स ट्राई कर रही हूँ। चंडीगढ़ में है वैसे और बैंगलोर में भी दो तीन जगह पे है, लेकिन हमने दुबई में ट्राई किया था तो मुझे ऑनेस्टली इतना पसंद नहीं आया था कॉफ़ी, सो आई ऑलवेज अवॉइड। लेकिन आज मैंने सोचा चलो लेट्स गिव इट अनदर ट्राई, लेकिन आज मैंने कॉफ़ी की जगह चाय ली है और लिया है एक टोमेटो बेगल। प्रेजेंट फॉर मी, मेरे ही बिल में मेरा ही बजर पैक करके दे रही है पार्सल फॉर मी। एंड दिस इज़ द टिम हॉर्टन्स इंटीरियर्स, बहुत ही प्यारा है। उधर पूरा कॉफ़ी का सेटअप है और ये जगह जगह पे इन्होंने प्लांट्स टांग रखे हैं इस एयरपोर्ट में। मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपार्टमेंट्स बनते हैं सिंगापुर बेस्ड, दुबई बेस्ड, यूरोप बेस्ड, लेकिन ये जो हमारा बैंगलोर एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल है ये बिल्कुल एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार एयरपोर्ट है। मतलब यहाँ पे अगर आपको वेटिंग आर है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। हम दोनों के पास अराउंड 1 आवर था अपार्ट फ्रॉम जो चेक इन वगैरह करने के बाद। मतलब हम अपने एस्टिमेशन से 1 घंटा पहले पहुंच गए थे। बिकॉज ऑफ दैट फियोना बहुत इम्पेशेंट हो रही थी, इसको था बस मुझे एरोप्लेन में बैठना है। इस चक्कर में इसने मुझे कहीं नहीं बैठने दिया, तो जितना भी वेटिंग हमारे पास पीरियड था उसमें हमने सिर्फ अपना ये T2 टर्मिनल घुमाया जो गेट्स वाला एरिया होता है, क्योंकि सिक्योरिटी गेट से मैं जल्दी अंदर आ गई थी। मुझे नहीं था आइडिया कि फियोना के साथ मुझे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता है, शॉप्स वगैरह देख के कई बार ना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। It's not real. Are you dis? It's not soft. It's not real. It's not soft. But do you like it or not? Yes. It's so cute. और इस बार जतिन हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो पापा को लेके एक रोड ट्रिप पे गया है। वो लोग कोयम्बटूर और कोची से होते हुए केरला के दूसरे पार्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि इस बार का जो ट्रैवल है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम दोनों अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं सेम टाइम पे। Let's go.
फाइनली वो घड़ी आ गई जब हम लोगों ने प्लेन बोर्ड कर लिया। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट एरोप्लेन जर्नीज इज़ कि हमारे फ़ोन्स में इंटरनेट नहीं चलता है, तो हम लोग आपस में बात करके बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अदरवाइज़ बच्चे भी फ़ोन में लगे रहते हैं आजकल, हम लोग भी फ़ोन में लगे रहते हैं। एंड दिस वॉज आर्मी। रीच चंडीगढ़, और इससे पहले कि हमारा बैगेज आए हम रेडी हो गए हैं चंडीगढ़ की विंटर्स के लिए। सो हो गया है बच्चे का मिलन अपने नाना नानी और मामू से, एंड शी इज हैविंग हर पार्ट ऑफ फन, और मैं पीछे आराम से रिलैक्स करके बैठी हूँ। बच्चे की जिम्मेवारी मैंने सौंप दी है। एंड वेलकम टू चंडीगढ़, ये है हमारी चंडीगढ़ की गलियाँ। घर पहुंचते पहुंचते हमें सनसेट हो गया था, एंड फाइनली वी आर गोइंग होम। तो आज के लिए बस इतना ही, आने वाले टाइम में आपको अपनी चंडीगढ़ वाली सोसाइटी दिखाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा। बाय बाय।